नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी झारखंड के अंतिम चरण में दांव पर लगी दिग्गजों की साख की। दिल्ली में आपके चुनावी प्रचार की धार की, जानेंगे कि उद्धव को बीजेपी पर क्यों आया गुस्सा और क्या यूपी में गिर जाएगी योगी की सरकार, और आखिर में बात सरकारी कंपनियों के बढ़ते निजीकरण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 23 दिसंबर को होगा महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार। एनसीपी नेता अजीत पवार ले सकते हैं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। लगभग 3 दर्जन मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और वादा किया पूरा। आज से दिल्ली में शुरू की गई फ्री वाईफाई की सुविधा। मोदी सरकार ने बदला राशन कार्ड का फॉर्मेट। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को 1 जून 2020 से पूरे देश में लागू करना चाहती है सरकार। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 115 अंकों की बढ़त के साथ 41,674 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 38 अंकों के उछाल के साथ 12,260 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है, जिसके लिए कल यानी शुक्रवार को मतदान होगा। कल पांचवें चरण में 16 सीटों पर मतदान होगा, जिसके साथ ही 237 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। तो आखिरी चरण में किन किन सीटों पर होगा चुनाव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड में 30 नवंबर से शुरू हुआ लोकतंत्र का महापर्व अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। 4 चरणों के चुनाव के बाद अब 20 दिसंबर यानी कल संथाल परगना क्षेत्र की 16 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही घंटों के बाद आखिरी फेज के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को जिन 16 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें जमहल, पाकुड़, नाला, दुमका, जामताड़ा, जामा, जरमुंडी, सारट, पुड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और शिकारीपाड़ा शामिल है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिरी चरण के लिए प्रशासन ने कितने की है तैयारी और किन दिग्गजों की दांव पर लगी है साख। पांचवें चरण की इस वोटिंग के लिए प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पोलिंग बूथों पर निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। इसके अलावा संवेदनशील सीटों को देखते हुए वोटिंग की टाइमिंग भी तय की गई है। इनमें से 11 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि 5 सीटों पर मतदान दोपहर 3 बजे ही सम्पन्न हो जाएगा। पांचवें चरण के चुनाव के लिए जहां एक तरफ प्रशासन मुस्तैद है, तो वहीं उम्मीदवारों ने भी कमर कस रखी है। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, मंत्री लुईस मरांडी, मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री प्रदीप यादव, पूर्व स्पीकर आलमगीर आलम जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा जुड़ी है। हेमंत 2 सीटों दुमका और बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी साफ है कि कल का दिन तमाम नेताओं के लिए काफी अहम होने जा रहा है, जिसमें जीत हासिल करने के लिए नेता तो अपना काम कर चुके हैं, मगर अब बारी झारखंड की जनता की है, जो कल पोलिंग बूथों पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर नई सरकार चुनने में मदद करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब कल से दोनों पार्टियों की परेशानी बढ़ाते हुए आपका चुनावी कैंपेन लॉन्च करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसके लिए अभी से तमाम दलों ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रणनीतियों के जरिए जीत का ख्वाब देख रही है, तो वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी विपक्षी दलों के इरादों पर झाड़ू फेरने के लिए कमर कस ली है और आपको फिर से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए रणनीतिकार प्रशांत किशोर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार का काम देखेंगे। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से शुक्रवार यानी कल से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक का साझा कैंपेन लॉन्च होगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसकी अपनी चुनावी तैयारियां और प्रचार चलते रहेंगे और प्रशांत किशोर की कंपनी अपने तरीके से ब्रांड केजरीवाल को आगे रखते हुए आम आदमी पार्टी का प्रचार कैंपेन चलाएगी। तो आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर मैदान में विपक्ष को पटखनी देगी और विपक्ष कैसे आपकी विदाई के लिए घेराबंदी करने के लिए प्लान बना रहा है, आइए वो भी देख लेते हैं। आप पिछले 5 साल में केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीसीटीवी कैमरे और महिलाओं की मुफ्त यात्रा को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए अरविंद केजरीवाल के चेहरे को सामने रखकर प्रचार शुरू करेगी, तो वहीं प्रशांत किशोर का प्रचार कैंपेन किस तरह का होगा, उसका खुलासा कल 20 दिसंबर को ही होगा।
माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के कैंपेन का लॉन्च दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। कांग्रेस भी इस बार पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले ही आपने अनधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए काम को लेकर पूरी राजधानी को पोस्टरों से पाट दिया है, जिसके बाद अब सबकी नजर कल होने वाले आम आदमी पार्टी और आईपैक के साझा कैंपेन पर रहेगी। जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी चुनावी मैनेजमेंट कंपनी के प्रचार की तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा कि ये प्रचार आपको कितना मजबूत करेगा। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी ये तैयारी बता रही है कि विपक्ष को दिल्ली में कड़ी टक्कर मिलने वाली है, जिससे निपटने के लिए कांग्रेस और बीजेपी को तैयार रहना होगा। हालांकि तैयारी तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी की थी, लेकिन शिवसेना से बढ़ी तल्खियों ने बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया, जिसके बाद से शिवसेना और बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी है। महाराष्ट्र में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिसमें शिवसेना और बीजेपी के बीच तू तू मैं मैं का सिलसिला जारी है। दो दिन पहले भी किसानों के मुद्दे को लेकर दोनों दलों में नोकझोंक हुई थी। वहीं अब शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन भाषण के दौरान बीजेपी को जमकर घेरा है और गठबंधन टूटने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो कुछ भी हमने किया है वो आपसे ही सीखा है। आपने नीतीश कुमार लालू यादव के बीच गठबंधन को तोड़ा। अपनी सहूलियत के मुताबिक आप महबूबा मुफ्ती, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के साथ आए। आपने हमसे झूठ बोला और इसी का नतीजा है कि आज हम साथ नहीं हैं। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की कथनी और करनी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। बीजेपी पर शिवसेना का बरसना लगातार जारी है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं बेटे आदित्य ठाकरे के तेवर भी बीजेपी के लिए काफी तल्ख नजर आए। वैसे उद्धव ठाकरे से पहले उनके बेटे और वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी को आईना दिखाया था। आदित्य ने कहा था कि उन्होंने देखा है कि सत्ता के लालच में कैसे मित्रों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये बीजेपी कितना भी कीचड़ फैला ले, कमल कहीं भी खिलने नहीं देंगे। आपको बता दें कि सीएम पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था। बाद में शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से महाराष्ट्र में सरकार बनाई और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद से ही दोनों दलों में तल्खियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ बीजेपी और शिवसेना की तल्खियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, तो वहीं बिहार में भी बयानबाजियों का दौर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां देश के मौजूदा हालात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, जिसे लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर शायराना अंदाज में तंज कसा है। गंभीर बातों को अपने देसी अंदाज में बोलने वाले लालू प्रसाद यादव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और पिछले कुछ दिनों से तो वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। देश के मौजूदा हालात को लेकर वो लगातार केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। वहीं अब सूबे के सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी लालू ने शायराना अंदाज में तंज कसा है। सीएम नीतीश पर कटाक्ष करते हुए लालू यादव ने लगातार दो ट्वीट करते हुए लिखा, बातें कोरी कोरी और धोखा घड़ी घड़ी, सरीसृप का नाम बूझो तो जाने। वहीं एक अन्य ट्वीट में लालू यादव ने लिखा, नीतीश ने समाजवादी चरित्र तो पहले ही खो दिया था, अब उसका नकली धर्मनिरपेक्षता का चोला भी उतर गया है। वहीं पिता की तरह तेजस्वी यादव ने भी पहेली भरे अंदाज में सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने लिखा, मुंह पे ताला, कान पे जाला, आंख पे पट्टी, नहीं अता पता है वो लापता, बूझो कौन। आपको बता दें कि इससे पहले भी पटना में कई जगह नीतीश के लापता होने के पोस्टर लगाए गए थे। वहीं अब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी नीतीश को घेरा है, जिस पर अब जेडीयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलती है ये देखना होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई ये सियासत नीतीश कुमार की परेशानी में जरूर इजाफा कर सकती है। खैर, मुश्किल में तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, क्योंकि पार्टी में नाराजगी का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पहले सिर्फ नंदकिशोर गुर्जर सरकार की मुखालफत कर रहे थे, तो वहीं अब पार्टी के करीब 200 MLA भी उनके समर्थन में उतर आए हैं, जिससे सीएम योगी की कुर्सी लड़खड़ाती नजर आ रही है। तो क्या है आखिर पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंगलवार को जो हुआ वो सूबे की राजनीति की एक ऐसी घटना थी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ यूपी की बीजेपी सरकार विधानसभा में सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही विधायक नंद किशोर गुर्जर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि आखिर क्यों उन्हें पुलिस और प्रशासन की तरफ से परेशान किया जा रहा है।
दरअसल गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंद किशोर विधानसभा में अपनी आवाज नहीं उठा पाए, जिसके बाद वो सदन में ही धरने पर बैठ गए और उनके समर्थन में बीजेपी के करीब 200 विधायक भी धरने पर बैठ गए। शाम 6 बजे के बाद किसी तरह उन्हें न्याय का आश्वासन देकर विधानसभा से उठाया गया, लेकिन विधानसभा के इतिहास की ये घटना अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ऐसा क्यों हुआ और इसके वास्तविक मायने क्या है। नंद किशोर गुर्जर के मुताबिक लोनी इलाके में एक फूड इंस्पेक्टर ने गलत लोगों को गलत तरीके से व्यवसाय के लिए लाइसेंस दिया था। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। आरोप है कि विधायक ने फूड इंस्पेक्टर के साथ गलत व्यवहार किया। वहीं नंद किशोर की शिकायत है कि उनकी बात ही नहीं सुनी गई और प्रशासन ने उन्हें घेर लिया। नंद किशोर का आरोप ये भी है कि जब इस बारे में उन्होंने विधानसभा में अपनी बात रखने की कोशिश की तो उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया और यहीं से उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया। बात आगे और तब बढ़ गई जब नंद किशोर को विधानसभा में न बोलने देने पर बीजेपी के करीब 200 विधायक धरने पर बैठ गए। इससे कई सवाल उठते हैं जो योगी आदित्यनाथ के लिए बेचैनी का सबब हो सकते हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को लगता है कि ये सरकार के अंदर की खींचतान का नतीजा है। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर योगी सरकार फेल हुई है, लिहाजा उनके नेता खुलकर आवाज उठा रहे हैं। अजय कुमार लल्लू ने ऐसे माहौल में नैतिक आधार पर योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने भी कहा कि ये बगावत के सुर हैं, जो साफ कहते हैं कि बीजेपी के विधायक योगी को सीएम के तौर पर नहीं देखना चाहते, जिससे सवाल उठना लाजमी है कि क्या सूबे में गिर जाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भले ही मुश्किल में नजर आ रही हो, लेकिन वहीं राजनीति से अलग राम मंदिर के निर्माण में कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर मंदिर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था और अब इसकी प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। तो कब हो सकता है ट्रस्ट बनाने का ऐलान, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले के बाद से ही हिंदू पक्ष काफी गदगद है, क्योंकि अदालत ने रामलला के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया था, जिससे राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद से ही सभी की नजरें टिकी हैं राम मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत पर। सवाल ये है कि कब से मंदिर बनना शुरू होगा, लेकिन अब जल्द ही काम शुरू होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने का जो आदेश दिया था, अब उसकी प्रक्रिया तेज होती जा रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का ऐलान जनवरी में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में साधु संतों को जगह दी जाएगी। सरकार अपने स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। साधु संतों के साथ दिल्ली में इस मुद्दे पर एक दौर की बातचीत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को बनाने की अंतिम तारीख 9 फरवरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अपने फैसले में राम मंदिर के लिए विवादित 2.77 एकड़ जमीन सौंप दी थी, जिसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया था कि एक अन्य स्थान पर 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी जाए। कोर्ट ने सरकार को मंदिर निर्माण से पहले ट्रस्ट बनाने के लिए 3 महीने का समय दिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि 4 महीने के अंदर आसमान को छूता हुआ भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। झारखंड के पाकुड़ में एक रैली करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, अब 4 महीने के अंदर आसमान को छूता भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा और अब शाह के घोषणा के बाद जल्द ही ट्रस्ट बनाने का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में अब इस ट्रस्ट में कौन कौन शामिल होता है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी सरकारी कंपनियों के बढ़ते निजीकरण की। एक तरफ मोदी सरकार सरकारी टेलीकॉम कंपनियों MTNL और BSNL के पुनरुद्धार की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों कंपनियों में छटनी करने के साथ साथ उसकी संपत्ति बेचने की योजना भी बनाई जा रही है। जी हां, अब खबर है कि सरकार ने दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों की संपत्ति को बेचने यानी एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि मोदी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। सरकार पर अभी आरोप एक बार फिर लग सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हमारी सरकार सरकारी टेलीकॉम कंपनियों MTNL और BSNL को बेचने के पक्ष में नहीं है, बल्कि हम इसका पुनरुद्धार करेंगे। मगर अब खबर आ रही है कि सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड की संपत्ति को बेचने यानी एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया काफी तेज कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार की कोशिश है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल की संपत्ति को चालू कारोबारी साल में ज्यादा से ज्यादा बेच दी जाए। इसके लिए अगले हफ्ते इस पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें विनिवेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय और टेलीकॉम मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही इस बैठक में एमटीएनएल और बीएसएनएल के सीएमडी भी होंगे, जो बताएंगे कि किन संपत्तियों को बेचा जा सकता है। कहा जा रहा है कि कुल 38,000 करोड़ की संपत्ति बेची जानी है। जानकारी के मुताबिक एमटीएनएल और बीएसएनएल के पास करीब 67,000 मोबाइल टावर है। सिर्फ बीएसएनएल के पास 5 फैक्ट्रियां हैं, जिसकी अतिरिक्त जमीन करीब 130 एकड़ की है, जो अलीपुर, मुंबई और जबलपुर फैक्ट्री के पास है। इस बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कंपनी की माली हालत सुधारने में होगा। ऐसे ही गेस्ट हाउस और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की पहचान की गई है, जिसको बेचा जाना है। वहीं इस बैठक में आरएफपी फाइनेंशियल बीट को भी मंजूरी मिलने की संभावना है और किस तरह से संपत्ति बेची जाएगी इसकी भी मंजूरी मिलने की संभावना है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।